Good morning. सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरे सर पे सिंह तो नहीं उगा है ना? मैम अभी तो आप कहकर गई थी कि गाइस आज मैं वेकेशन पे जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला, सो सी यू टुमारो। नहीं नैनी तुम गई नहीं, तुम वापस आ गई, हॉलीडे कैंसिल हो गई क्या? कहीं तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ मजाक तो नहीं किया? मजाक तो तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ, मैंने कब कहा मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ? अप्रैल फुल डे तो नहीं है ना? एनीवेज नैनी, जैसे तुमने कहा था कि बैंगलोर वाले नए प्रोजेक्ट में हमारा 50-50% प्रॉफिट शेयर होने वाला है, उसकी फाइल मैंने रेडी कर ली है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट एंड साइन इट। आकाश, मैंने ऐसा कब कहा था कि तुम्हारा 50% का प्रॉफिट शेयर होगा? हमारी बात हो चुकी है इस पे नैनी। अरे आकाश सुनो, हमारी कंपनी को जो बैंगलोर वाला असाइनमेंट मिला है ना, हाँ, मैं उसमें तुम्हें 50% प्रॉफिट देने के लिए रेडी हूँ। डैम इट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और ना कभी कहूंगी। आकाश, तुम्हारा इस कंपनी में 30% का शेयर है, तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा। इज दैट क्लियर? रूबिया, वो डिजाइन तैयार हुआ कि नहीं? मैम वो एक ये किस डिजाइन पे काम कर रही हो तुम? मैम आपने तो कहा था दिस डिजाइन इज ओके। यस मैम। तुम एक काम करो, इस पे पूरा स्केच बना के मुझे दिखाओ। ओके या नेवर, ऐसे स्टूपिड डिजाइन पे काम करने के लिए मैं कभी नींद में भी नहीं कह सकती। मैम यकीन मानिए वो आप ही थे। मान के चलूं जब लैब कैपिटल हेलो, हाँ मैं नंदिता कपूर बोल रही हूँ। मुझे अभी अभी मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट से 1,00,000 रुपए कैश निकाला गया है। क्या? मैंने खुद पर्सनली? अरे मैं कैसे निकाल सकती हूँ जब मैं बैंक गई ही नहीं? हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे लगता है आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर, कुछ दिनों से मैं सही फील नहीं कर रही हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है। प्लीज कोई मेडिसिन दे दीजिए मुझे। मेडिसिन? लेकिन वो तो मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे कब? कुछ देर पहले आप आई थी ना। What happened? डॉक्टर, वो मैं नहीं थी। It wasn't me. डॉक्टर ना। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जहां भी जाती हूँ तो पहले ही कोई मेरी तरह ही। This can't be possible. Can't be possible. कैंसिल हो गई क्या? मैंने कब कहा मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ? आकाश, मैंने ऐसा कब कहा था कि तुम्हारा 50% का प्रॉफिट शेयर होगा? हमारी बात हो चुकी है इस पे नैनी। ये किस डिजाइन पे काम कर रही हो तुम? आपने तो कहा था। मुझे अभी अभी मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट से 1,00,000 रुपए कैश निकाला गया है। क्या? मैंने खुद? अरे मैं कैसे निकाल सकती हूँ जब मैं बैंक गई ही नहीं? कभी तो अच्छे से बात किया करो,
जब देखो गोले बरसाती हो। पहले तो बड़ा प्यार बरसाती थी। अच्छा छोड़ो, हो गई तसल्ली। अभी जाना था, सारी प्रॉब्लम्स आज ही होनी है। हाँ नैंडी। हेलो अम्मे। क्या हुआ, इतना सैड क्यों साउंड कर रही हो? एवरीथिंग ऑल राइट। मैं अपने घर में जो भी कुछ करूं उसके बाप का क्या जा रहा है यार, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ मैं बस अभी थोड़ी देर में घर आ रही हूँ और घर आके तुम्हारा सारा गुस्सा शांत कर दूंगी। लतिका घर पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या हुआ? देखो गुस्सा होना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। Let's enjoy the music. अब दिखाता हूँ इसको। वॉल्यूम कम कर, बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों खुजली है? बस क्या बन रहा है ना, हाँ क्या सारा बन रहा है? बाहर दरवाजे के पास कॉरिडोर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, शायद उससे कोई क्लू हाथ लग जाए। कौन है ये? सर ये तो हमारी नेबर है नंदिता। इससे दीपक को देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने खून नहीं किया है, खून नहीं किया मैंने। कैसे समझाऊं इन लोगों को, कैसे समझाऊं को? मैंने नहीं, कोई और था, कोई और था। मिस्टर पाठक, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जिस वक्त दीपक का मर्डर हुआ मेरी कजिन नंदिता मेरे साथ थी। देखो भाई, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो फिर पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है उसमें नंदिता हाथ में खून से सना खंजर लेकर दीपक के घर से निकलती हुई कैसे दिखाई दी? नंदिता की कोई जुड़वा तो नहीं? कोई जुड़वा बहन नहीं है मिस्टर पाठक। फिर आप एक ही समय पर दो अलग अलग जगह कैसे हो सकती है? मैं तो सिर्फ एक ही जगह थी मिस्टर पाठक, दूसरी जगह तो वो कौन बोलिए? नहीं आप मेरी बात पर यकीन करेंगे कि नहीं, पर
उस दिन जब मैं ऑफिस गई तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई था, मतलब मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन सबको लगा कि जैसे मैं थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी ही शक्ल की है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वहाँ वो पहले जा जाती है। मैं किसी को कोई ऑर्डर नहीं देती हूँ, लेकिन हर बार वो मुझसे पहले पहुँच कर ही ऑर्डर दे देती है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, उसकी शक्ल मेरी जैसी कैसे है, मैं कुछ नहीं जानती। और दीपक का खून यकीनन मेरी उस हमशक्ल ने ही किया है, और मैं यही अदालत को बताना चाहती हूँ। अच्छा, हमशक्ल, ये तो संयोग की बात भी नहीं हो सकती, किसी का सोचा समझा षड्यंत्र है। देखते हैं सच क्या है। Your Honor, let me explain. Mr. दीपक संधू का खून 28 दिसंबर को उन्हीं के घर पर हुआ, और इस बात में कोई शक नहीं, ये मर्डर पाठक साहब की मुंह वकील मिस नंदिता कपूर ने किया है। और ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ योनर, क्योंकि मेरे पास इसकी सीसीटीवी फुटेज है। योनर, ये दृश्य पुलिस को दीपक संधू के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा से बरामद हुआ है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मिस नंदिता कपूर दीपक संधू के घर से बाहर निकलती हैं, हाथ में खंजर है और निकल जाती है। अब इतने स्ट्रॉन्ग और सीरियस एविडेंस के बाद मिस नंदिता कपूर को कातिल न मानने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता योनर। और इससे पहले कि पाठक साहब ये कहे कि फुटेज में तो सिर्फ नंदिता कपूर को बाहर जाते हुए देखा है, मर्डर करते हुए नहीं, लेट मी एक्सप्लेन योनर। ये फुटेज 28 दिसंबर शाम 4:44 की है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से हत्या भी उसी समय हुई है। यकीन मानिए पाठक साहब, आपकी मुंह वकील नंदिता कपूर ने ही खून किया है। और जहां तक इस खून का मोटिव का सवाल है योनर, मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा, मिस नंदिता कपूर का दीपक संधू के साथ भूतकाल में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, दोनों के बीच में अफेयर था। मिस्टर मेनन, आपको मेरी पास बायोग्राफी बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताना होगा मिस नंदिता कपूर, योनर इस बात से इस हत्या का मकसद जुड़ा हुआ है। आज से तकरीबन 2 साल पहले इनका मिस्टर दीपक संधू के साथ ब्रेकअप हो गया, तब से इनके दिल में दीपक संधू के खिलाफ नफरतें और रंजिशें भरी हुई। और जब दीपक संधू ने इससे भी आगे बढ़कर मिस कपूर को छोड़ इन्हीं की बेस्ट फ्रेंड के साथ एक नया रिश्ता कायम किया, एक नया अफेयर शुरू किया, और दोनों मिलकर इन्हीं के बिल्डिंग में इन्हीं के पड़ोसी बनकर रहने लगे, तो मिस नंदिता कपूर की जेलसी और बदले की भावना और बढ़ गई। ये सच है योर ऑनर, मेरे बॉयफ्रेंड दीपक और नंदिता यानी उनकी एक्स पार्टनर, इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन भी इन दोनों की कहा सुनी हुई थी। योर ऑनर, मैं दीपक से सिर्फ ये कहने गई थी कि वो गानों के वॉल्यूम धीरे कर ले, बस। और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आपको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आपने उसका खून कर दिया। नहीं, उसने तुरंत वॉल्यूम धीरे कर दिया था, उसके बाद मैं घर लौट गई थी। क्या आप दीपक के घर वापस गई थी नंदिता जी? नहीं, मैं नहीं गई। झूठ, सफेद झूठ योर ऑनर। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि मिस नंदिता कपूर 28 दिसंबर को दीपक संधू के घर एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा गई थी। पहली बार 4:22 और दूसरी दफा 4:41 पर जब खून हुआ, और ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 4:44 पर वो दीपक संधू के घर से बाहर निकली, हाथ में खंजर ली। नहीं रौनक, वो मैं हुई नहीं। क्या क्या कहा? वो फुटेज में दिखाई गई मोहतरमा आप नहीं थी? नहीं। जज साहब, क्या जमाना आ गया है, मतलब मुजरिम अपने जुर्म को छिपाने के लिए अपने आप को पहचानने से इनकार कर रहा है। मिस कपूर, इसमें दो राय नहीं कि खून से लथपथ खंजर लिए आप ही दीपक संधू के घर से निकल रही है, आखिर कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। योर ऑनर, उचित कह रहे हैं आप, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, इन झूठ तो नंदिता भी नहीं बोल रही, क्योंकि जिस समय दीपक की हत्या हुई उस समय नंदिता अपने कजिन अमित के घर। ये बात सच है योर ऑनर, नंदिता 28 दिसंबर की शाम 4:45 मेरे साथ मेरे घर पर बैठकर चाय पी रही थी। ये कैसे पॉसिबल है योर ऑनर? ये सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए बोल रहा है योनर, मेरी बात मानिए। मिस्टर मेनन, ये आवश्यक नहीं कि आपकी हर बात मानी जाए। पर मिस्टर पाठक,
आपके पास क्या सबूत है कि घटना के समय नंदिता अमित के घर पर थी? योर ऑनर, प्रथम बार जब नंदिता दीपक के घर गई और ध्वनि कम करने को बोलकर लौटी, वहां से उसी समय बिल्डिंग की बिजली चली गई थी। नंदिता ने अमित को फोन किया और उसके बाद में सीधा अमित के घर चली गई थी। वॉचमैन रामदीन ने मुझे देखा था। रामदीन, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपने मेरी मोकिल नंदिता को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था या नहीं? जी साहब, देखा था। जब बिजली कटी थी तब मैडम को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था मैंने। लेकिन जब कुछ देर बाद बिजली वापस आई तब मैडम वापस आ चुकी थी। अदालत है, और ये फिर दीपक संधु की घर की ओर बढ़ी जो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। और उसके बाद इन्होंने दीपक संधू को मार डाला। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने दीपक को नहीं मारा योर ऑनर। मैं तो अमित के घर थी। मिस कपूर, आप अमित के घर गई नहीं थी, आप आधे रास्ते से ही लौट गई थी। नहीं, वो मैं नहीं थी। कोई मेरी हमशक्ल थी, मेरी डुप्लीकेट। अभी हमशक्ल वाला एंगल बीच में कहां आ गया? भई आज तो अदालत में कुछ कमाल ही हो रहा है। पहले गुनेगार अपने आप को पहचानने से इनकार कर रही, उसके बाद ये हमशक्ल का एंगल लेके आ रही। योर ऑनर, मिस कपूर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुना दिया जाए। ओ मेनन साहब, थोड़ा धीरज रखिए, उचित समय आएगा निर्णय का। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल दीपिका ने अभी अभी अदालत के समक्ष जो बात रखी है, मैं समझता हूँ कि इस बात पर विश्वास करना कठिन है। प्रथम बार इन्होंने मुझसे ये बात कही थी तो मुझे लगा संभवतः इनकी कोई जुड़वा बहन होगी जिन्होंने ये कार्य किया होगा, ये हत्या की होगी। किंतु अद्भुत बात यह है कि इनकी कोई जुड़वा बहन भी नहीं। सीता और गीता, राम और श्याम, किशन कन्हैया वाले फॉर्मूला छोड़ दीजिए पाठक साहब। यकीन मानिए, इस दुनिया में हूबहू एक ही चेहरे वाले दो लोग कभी नहीं होते। हाँ, एक आध सिमिलरिटी हो सकती है, ये और बात है। लेकिन जज साहब, सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की आपने देखी वो मिस कपूर ही थी, उसकी कोई हमशक्ल या डुप्लीकेट नहीं थी। आपका क्या कहना है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है इस केस में भी जो दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो। अपनी दलील आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ कटघरे में बुलाकर उनसे पूछताछ करना चाहूंगा। अनुमति है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, कृपया अदालत को बताइए, क्या 28 दिसंबर को नंदिता आपके पास चिकित्सा के लिए आई थी? जी हाँ। और जिस समय वो आई थी आपने उनसे पूछा था कि वो दोबारा लौट कर क्यों आई? कुछ समय पहले ही आई थी? जी। कितने समय पहले आई? यही कोई आधा घंटा पहले। योर ऑनर, वो मेरे पास आई, काफी स्ट्रेस में लग रही थी। मैंने उन्हें मेडिसिंस दी, वो वापस चली गई। लेकिन फिर आधा घंटे बाद वो फिर से आई विद द सेम प्रॉब्लम। योर ऑनर, मैं अदालत को ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रकाश के पास जो पहली बार गई थी वो मैं नहीं थी। ये उस दिन भी मुझसे यही बात कर रही थी। ये जो दो नंदिता आपके पास आई थी, इन दोनों में कोई अंतर दिखाई पड़ा आपको? जी नहीं योर ऑनर, वो दोनों सेम थी। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है दोनों ने कॉस्ट्यूम भी सेम पहनी हुई थी। वस्त्र भी वही। ये केस कहाँ से कहाँ जा रहा है? ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक इंसान का हूबहू हम शक्ल कहीं एग्जिस्ट करता हो। मेरी मानी योर ऑनर, शायद डॉक्टर वेद प्रकाश को कोई गलतफहमी हुई हो। जी नहीं योर ऑनर, मैं नंदिता जी का रेगुलर डॉक्टर हूँ। इन्हें पहचानने में मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। योर ऑनर, केवल डॉक्टर साहब के साथ ही नहीं,
अन्य व्यक्तियों के साथ भी ऐसी घटना घटी। योर ऑनर, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नंदिता मैम ऑफिस आई तकरीबन 10:15 बजे और आकर कहती है कि गाइस आज मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। और फिर उसके 15 मिनट बाद ही वो वापस ऑफिस आती है। मैंने कब कहा मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ? मैं कह रही हूँ योर ऑनर, मेरा साया, मेरी इमेज हर जगह घूम रहा है और उसी ने ही दीपक को मारा है। रमेश, एब्सोल्यूट रमेश। योर ऑनर, मुझे तो लगता है मिस्टर पाठक अपनी मूव वकील को बचाने के लिए ये हम शक्ल वाला ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के कहने पर। जो मुझ पर बीती है मैं वही बता रही हूँ। मेरा साया, मेरा हमशकल या वो जो भी है, मैंने उसे खुद सिग्नल के पास देखा था। यूरोनर, और मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि अपने आप को देखना अपशगुन होता है, और वही मेरे साथ हो रहा है। जो जुर्म मैंने किया भी नहीं उसके लिए। जुर्म आपने नहीं किया है मिस कपूर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेनन साहब निर्णय सुना रहे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, यदि कुछ समय के लिए मान लें कि नंदिता जी ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं, कहानी गढ़ रही है हमशकल की, तो क्या डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी, इनकी सहकर्मी रूबिया भी और इनके व्यवसाय के भागीदार जो हैं मिस्टर बहल, क्या वो भी इनका साथ दे? मिस्टर बहल, बताइए उस दिन जब नंदिता ऑफिस आई थी 28 दिसंबर के सवेरे, क्या हुआ था? वो थोड़ी स्ट्रेस थी योर ऑनर। कौन सी वाली, नैंडी जो पहली बार आई थी या जो बाद में आई? एक्चुअली मैंने तो नैंडी को सिर्फ एक ही बार ऑफिस में आते हुए देखा। तुमने मुझसे खुद कहा था कि उस दिन मैंने तुमसे 50% शेयर देने की बात की थी। नैंडी, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई। आकाश याद करो, तो मेरे कैबिन में पेपर्स लेकर आए थे, याद करो। हाँ, फाइल तो मैं लाया था जो नए प्रोजेक्ट की थी, पर उसे तुमने डिस्कस करने से इनकार कर दिया। क्या बात, वाह बढ़िया है। इसका मतलब मिस कपूर, आपने पूरा प्लान करके दीपक संधू को मारा। योनर, हम तो अब तक ये समझते थे कि शायद गुस्से में आके, आवेश में आके इनके हाथ से खंजर चल गया होगा, पर इट वॉज अ वेल प्लान्ड मर्डर। पाठक साहब, अब तो मान भी जाइए कि आपकी मूव वकील ही असली कातिल है। और वैसे भी मिस्टर बैल के बयान के बाद आपका वो हम शक्ल, डुप्लीकेट राम और श्याम, गीता और सीता, किशन कन्हैया वाला ट्रैक खारिज हो चुका है। आकाश झूठ बोल रहा है, ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि मुझे फंसाकर तेरी कंपनी का मालिक बन सके। मुझे तो लगता है कि नंदिता ही ने मिस्टर दीपक संधू का खून किया है और खुद को बचाने के लिए डुप्लीकेट वाला ढोंग कर रही है, और डॉक्टर वेद प्रकाश और रुपिया दोनों इसके साथ मिले हुए। योना, मेरे हिसाब से इस केस का सच बाहर आ चुका है, अब बस आपके फैसले का इंतजार। योर ऑनर, मेरे पास एक दस्तावेज है जिससे संभवतः ये प्रमाणित हो जाएगा कि अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned। सपून अपना माथा फोड़ी करके एकदम थक गया। आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहेगा? मतलब बोले तो बॉस, ना कोई डुप्लीकेट, ना कोई हमशकल, ना कोई तुड़वा, ना जुड़वा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। अपुन को लगता है केस में सॉलिड लफड़ा है बॉस। कोई लफड़ा नहीं, सब क्लियर। मिस्टर पाठक, मैं डॉक्टर करुणा अस्थाना, पैरानॉर्मल रिसर्चर। एक्सक्यूज मी मैम, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कोर्ट में देखा था। जी पाठक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊँ। हाँ बैठिए ना। पाठक साहब, आज मैंने कोर्ट में सारा डिबेट सुना, वो गलत भी नहीं है। वैसे अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो,
लेकिन मैं अपने 30 साल के रिसर्च के आधार पर ये यकीन से कह सकती हूँ कि इस वर्ल्ड में हर किसी का एक हमशक्ल होता है। कोई उसे देख पाता है और कोई नहीं। देखिए डॉक्टर अस्थाना, बात तो पूरी सुन लीजिए पाठक साहब। बोलिए। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया भी चलती है, पैरेलल वर्ल्ड। और इस पैरेलल वर्ल्ड में हम सबके लुक अलाइक्स, जिन्हें हम साइंटिफिक टर्म में डॉपलगैंगर कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा भी डॉपलगैंगर होगा और आपका भी। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो ये रिसर्च पेपर्स देख लीजिए। इसमें उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से अपने हम शक्ल को देखा है। और कुछ तो जाने माने नाम है इसमें जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। पाठक साहब, इससे आपको अपने मुवक्किल को इनोसेंट साबित करने में मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड। थैंक यू पाठक साहब। वैसे डॉक्टर अस्थाना, ये इतना कष्ट क्यों उठा रही है? अभी अभी जो मैंने कहा उस पर शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, तो बहुत ही जल्द हो जाएगा। मिस्टर बेल। यस। जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे? क्या किया मैंने? You such a liar. Liar? वॉचमैन, ये चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे कुछ रिलेटिव्स आएंगे, उन्हें दे देना, ठीक है? तो रुक कर लेना। हाँ। वॉचमैन, वॉचमैन। जी साहब। ये मेरे घर के बाहर ताला किसने लगाया? साहब आप ही ने तो लगाया था। ये रही साहब चाबी। वैसे तो आपका कोई रिलेटिव आया ही नहीं। साहब आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगा? साहब आपके नंबर से मुझे फोन आ रहा है। क्या? मेरा फोन तो मेरे पास है। हेलो। हेलो तरुण, गाड़ी कहाँ पार्क की है तूने? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा कुछ? तरुण तू है कहाँ पर बता। हेलो, योर ऑनर, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ? ये कल से क्या हो रहा है? जो नंदिता के साथ हुआ वो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे जिसकी भी कसम खिला ले, मैं खाने के लिए तैयार हूं। आज तक मैंने अपने घर पे कोई भी ताला नहीं लगाया। आज सुबह जब मैं जेल पहुंचा नंदिता से मिलने,
तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। एक्सक्यूज मी, कहीं किससे मिलना है? नंदिता, नंदिता कपूर। आपका नाम तो अमित कपूर है ना? जी हाँ। आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी बैंक को मिलकर गए थे। क्या? अरे ये देखिए, रजिस्टर में आपके सिग्नेचर्स भी है। ये रहे मिस्टर अमित कपूर, साइन। योर ऑनर, अब मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अरे ये कौन है मेरा हमशक्ल जो मेरी सिग्नेचर तक भी कॉपी कर सकता है? और मेरा तो कोई जुड़वा भी नहीं है। अमित, अमित इसका मतलब आज सुबह मैं जिससे मिली वो तुम नहीं थे? नहीं नैंडी, वो मेरा डुप्लीकेट था। एनफ, ये दोनों भाई बहन की मिली भगत है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है, इसीलिए डेफिनेटली मिस्टर पाठक के इशारे पर ये दोनों भाई बहन हमशक्ल वाली बात को हवा दे रहे हैं। जबकि पिछली अदालत में ये प्रूव हो गया था मिस्टर बैल के बयान के बाद कि ये हमशक्ल और डुप्लीकेट वाली बात कितनी बेबुनियाद। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई भी बयान नहीं दिया। हाँ तो मिस्टर आकाश बैल, ये आपके स्टेटमेंट की रिकॉर्डेड कॉपी है। कल भरी अदालत में आपने सबके सामने कबूला था कि 28 दिसंबर की सुबह को ऑफिस में आपका मिस कपूर के किसी हमशक्ल के साथ आमना सामना नहीं हुआ था। योर ऑनर, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कल मैं अदालत आया ही नहीं था। Order, order, silence in the court, please. ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर बैल? कल आप अदालत में नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कल आप कहाँ थे मिस्टर बैल? एक्चुअली मैं अदालत के लिए निकला ही था, लेकिन उस दौरान एक अनजाने नंबर से मुझे कॉल आ गया। हेलो मिस्टर आकाश बहल। हाँ जी। सुनिए, मैं पुणे से सुनील पावस्कर बोल रहा हूँ। आपकी बुआ यहाँ त्रिलोक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। उन्होंने मुझसे कहा अब तक ये मैसेज दे दे। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। और अर्जेंटली मुझे पुणे के लिए निकलना पड़ा। और पुणे जाके मैंने ये देखा कि मेरी बुआ अस्पताल में नहीं। भगवान का शुक्र है कि घर पे थी और सही सलामत थी। और उस सुनील पावस्कर ने जिसने मुझे फोन किया था, उसको तो मेरी बुआ जानती तक नहीं है। और दोबारा जब मैं वो नंबर पे रिपीटेडली कॉल कर रहा था तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। योर ऑनर, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर बहल साहब कल या पिछली सुनवाई में अदालत में उपस्थित नहीं थे तो जो व्यक्ति यहाँ था वो कौन था? वो जरूर आकाश का डुप्लीकेट रहा होगा। फिर से वही बकवास। ये केस कहाँ से कहाँ जा रहा है योर ऑनर? पाठक साहब, प्लीज अपने क्लाइंट को समझाइए। देखिए मेनन साहब, ऐसा मत सोचिए कि ये जो हमशक्ल वाली थ्योरी है मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है कि सर्वप्रथम नंदिता, उसके बाद अमित और अब आकाश बहल, अगर तीनों के साथ यही घटना घटी है तो कुछ तो गड़बड़ है। हाय योर ऑनर, मैं जब अदालत आया ही नहीं तो जो कोई भी आया होगा वो नकली आकाश होगा, क्योंकि 28 तारीख को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नंदिता दो बार 15 मिनट के अंदर ऑफिस आई थी और उसने कभी भी अपने नेबर का जिक्र मुझसे नहीं किया। हाँ ये बात है कि 50% प्रॉफिट शेयर की बात हुई थी हमारे बैंगलोर वाले नए प्रोजेक्ट के लिए, बाद में वो उससे मुकर गई, वो अलग बात है। मुकर तो आप रहे हैं मिस्टर बैल। लगता है रात भर में आपके दिल में मिस कपूर के लिए इतनी हमदर्दी जाग उठी कि आप अपने बयान से मुकर रहे हैं। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अदालत में नहीं आया था, तो मेरे बयान देने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? देखा योर ऑनर, मैं कल सही कह रही थी। यही सही आकाश है जिसे सारी बातें मालूम है। कल जो आया था वो तो कोई फरेबी था। एक सेकंड योर ऑनर, एक सेकंड। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि कल जो शख्स अदालत में मौजूद था वो असली था और आज जो ये महानुभाव कटघरे में खड़े हैं वो नकली हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं? योर ऑनर, इस बात की पुष्टि करना बहुत ही सरल है। बहल साहब, ये बताइए कि आपके कथन के अनुसार आप कह रहे हैं कि आप पुणे में थे, इस बात का कोई साक्ष्य है, कोई साक्षी है आपके पास? मिस्टर पाठक, आप चाहें तो मेरी बुआ से बात कर सकते हैं। एक मिनट, मैं उनका नंबर अभी आपको देता हूँ। हाँ भाई, नंबर बताओ।
हेलो जी हाँ बोलिए जी आप आकाश बहल की पूना वाली बुआ बोल रही हैं जी हाँ नमस्कार मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ मुंबई से अदालत से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हम कि आकाश कल आपसे मिलने पूना आए थे या नहीं हाँ आए थे अच्छा आए थे कितने बजे साढ़े तीन बजे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत योर ऑनर अब ये स्पष्ट हो गया है कि आकाश पूना गया था इनकी बुआ जी के साथ भेंट करने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने प्रश्न ये उठता है कि अगर ये पूना में थे तो स्पष्ट है कि ये अदालत में उपस्थित नहीं थे क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर नहीं हो सकता योर ऑनर ये अदालत में नहीं थे तो जो व्यक्ति यहाँ था वो कौन था योर ऑनर यहाँ कल जो आया होगा जरूर मेरा डुप्लीकेट होगा शायद मुझे फंसाने के लिए एक सेकंड ऑनर मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है क्या सबूत है कि ये शख्स जो यहाँ खड़े हैं ये असली आकाश है और कल जो महानुभाव इस कटघरे में खड़े थे वो नकली ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ योर ऑनर ये महानुभाव जो इस कटघरे में खड़े हैं इनकी असली पहचान की जाँच कराई जाए तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए इस केस के मद्देनजर ये अदालत प्रोसिक्यूशन की दलील से सहमत है और पुलिस को हिदायत देती है कि वो आकाश बहल की असली पहचान को सुनिश्चित करे टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड आज के इस तर्क वितर्क से भी इस केस कर से परत खुलती दिखाई नहीं दे रही आकाश बहल के बारे में कुछ पता चला वरुण जी सर पुलिस स्टेशन में उससे पूछा जा रही है मुझे लगता है पुलिस उस पर अपना समय व्यर्थ कर रही है तेरा आकाश नहीं कोई और है कौन सा संभवत अमित सोच इस बारे में यदि नंदिता को कुछ हो जाता उसकी पूरी धन संपत्ति अमित की हो जाती संभव है कि वो धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अमित ने यह चक्रव्यूह रचा हो अमित सर मे बी तो एक काम कर जाओ और अमित के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर उसके भूतकाल उसके वर्तमान के बारे में और पता लगा कि नंदिता से उसके संबंध कैसे थे ठीक है सर अरे और कितने प्रूफ दूं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अगर दीपक का कोई इंश्योरेंस क्लेम करने वाला होता तो अब तक कर चुका होता ना जी नहीं मैं उसकी सारी चीजों की हकदार हूँ आपको समझ आया डू यू कैर इट मुझे एक हफ्ते के अंदर सारा पैसा चाहिए हेलो पाठक साहब मैं करुणा अस्थाना आकाश और अमित के बयान के बाद आपको यकीन होने लगा होगा कि पैरेलल वर्ल्ड में हमारे हमशक्ल एग्जिस्ट करते हैं देखिए करुणा जी मैं एक वकील हूँ और कोई भी ऐसी बात जिसका कानून की दृष्टि में अस्तित्व ना हो ऐसी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता सब यकीन करेंगे पाठक साहब आप भी और आपका कानून भी हाय सर इतनी जल्दी जाकर आ गई क्या कहाँ से मतलब क्या तुझे मैंने भेजा था वहाँ अमित के बारे में पता करने अमित कब सर आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तो तू यहाँ बैठा था मेरे सामने 20-25 मिनट पहले मैंने तुझे भेजा था नहीं सर आपने मुझे नहीं बोला इनफैक्ट मैं तो शिफाली के साथ था सर हम लोग मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे और वहाँ से मैं सीधा ऑफिस आ रहा हूँ शिफाली के साथ था तू क्या सोच रहे और यहाँ कौन आया था मेरे यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक बात है वरुण अगर तेरे स्थान पे कोई और होता तो इस बात पर विश्वास नहीं करता लेकिन कह रहा है कि तू शिफाली के साथ था लेकिन मैंने
खुद देखा है कि तू यहाँ मेरे सामने बैठा था। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर कैसे हो सकता है? पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाता है कि जो आकाश बहल पिछली सुनवाई में आए थे वही असली है, कोई बहरूपिया नहीं। योर ऑनर, जांच से ये भी प्रमाणित हो चुका है कि 2 जनवरी की सुनवाई को आकाश पूना में ही थे। प्रश्न वही का वही खड़ा है योर ऑनर कि अगर आकाश पूना में था तो जिस व्यक्ति ने यहाँ पर इस अदालत में कथन दिया वो कौन था? योरोनर, मैंने तो वही कहा जो उस दिन हुआ था, पर मुझे तो लगता है कि नंदिता ने ही मिस्टर दीपक संधू का खून किया है। मिस्टर पाठक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, जबकि उनका कोई हमशक्ल भाई तक नहीं है। केवल इतना ही नहीं, मेरे साथ भी योरोनर ऐसी ही एक घटना घटी है। क्या हुआ मिस्टर पाठक? बताता हूँ मेनन साहब। योर ऑनर, इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने ही सहायक वरुण को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। मिस्टर वरुण जवेरी, कृपया अदालत को बताएं कि आप कल दोपहर कहाँ थे? योर ऑनर, कल मैं अपनी दोस्त शिफाली के साथ, कल उसका बर्थडे था इसलिए हम लोग एक साथ मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। ये है शॉपिंग बिल्स और क्रेडिट कार्ड स्लिप। योर ऑनर, शॉपिंग की रसीद और क्रेडिट कार्ड का स्लिप। इसमें देखने वाली विशेष बात यह है कि दिनांक कल का है 5 जनवरी और समय दोपहर 3:34। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा योर ऑनर। योर ऑनर, ये मेरे कार्यालय के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। ये देखिए, समय 3:34 और वरुण मेरे साथ मेरे कार्यालय में बैठा है। ये बहुत ही गंभीर रहस्य है योर ऑनर कि एक ही व्यक्ति एक ही समय 3:34 पर दो भिन्न स्थान पर कैसे हो सकता है? योर ऑनर, पहले नंदिता के साथ, फिर मिस्टर बहल के साथ और अब मेरे सहायक वरुण के साथ। ये ऐसा रहस्य है योर ऑनर जिसका कोई तर्क नहीं मेरे पास। मैं समझाता हूँ मिस्टर पाठक। योर ऑनर, दुनिया में सबको सब कुछ पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना मिस्टर पाठक। मिस्टर मेनन, आप जो भी कहना चाहते हैं सीधे तरीके से कहिए। योर ऑनर, इसके लिए मैं पैरानॉर्मल रिसर्चर मिसेस करुणा अस्थाना को कटघर में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है? हाँ, तो मिसेस करुणा अस्थाना, आप डे वन से इस केस को फॉलो कर रही है राइट? क्या लगता है आपको ये सब क्या चल रहा है? आई मीन मिस्ट्री क्या? योर ऑनर, मैं पहले ही सब कुछ पाठक साहब को बता चुकी हूँ। लगता है इनको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है। क्या बताया आपने? योर ऑनर, सुनकर शायद आपको भी अजीब लगे, यही बताया था कि इस दुनिया में हम सब का हमशक्ल होता है, अक्स कहिए, रिफ्लेक्शन कहिए या फिर डॉपलगैंगर। अभी अभी जो मैंने कहा उस पर शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, बहुत ही जल्द हो जाएगा। पर करुणा जी, अदालत इन सब बातों को नहीं मानती है। अदालत तो इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बातें आप कह रही हैं, कोई प्रमाण है, कोई आधार है आपकी बातों? और क्या प्रमाण चाहिए पाठक साहब आपको? आप अपने असिस्टेंट वरुण को ही ले लीजिए। देखा ना आपने कि किस तरह एक ही वक्त पर वो दोनों जगह पर मौजूद था। जल्दी जाकर आप ही कहाँ से? अमित के बारे में पता करना है। कब सर? आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अमित तो तू यहाँ बैठा था मेरे सामने 20-25 मिनट पहले, मैंने तुझे भेजा था। नहीं सर, आपने मुझे नहीं बोला। मैं तो शिफाली के साथ था सर, हम लोग मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे।
वाली के साथ था कोई। और आपके अनुसार इसके पीछे कारण? कारण क्या हो सकता है मिस्टर पाठक? जिस वरुण से आप ऑफिस में मिले वो वरुण नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था, रिफ्लेक्शन, अक्स, डॉपलगैंगर। ये कैसे संभव है डॉक्टर अस्थाना? योर ऑनर, लगता है पाठक साहब जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। देखिए, मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। टीवी सीरियल तो आप सब देखते ही होंगे। अब उनमें से कई बार नायक या नायिका के सामने उनका अपना रिफ्लेक्शन, जिसे आप ऑल्टर ईगो भी कह सकते हैं, आ जाता है, उनसे बातें करता है और डिबेट भी करने लगता है। केवल परिकल्पनाएं हैं, वास्तव में जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। होता है पाठक साहब। योर ऑनर, इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में है। आपने धर्मकाया के बारे में तो सुना ही होगा, यही कि हर मनुष्य का अपने शरीर के अलावा एक और शरीर भी होता है, बिल्कुल उसकी तरह। इस दुनिया में हम सब का हमशक्ल होता है, अक्स कहिए, रिफ्लेक्शन कहिए या फिर डॉपलगैंगर।